Good morning, Ucho. Good morning. तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने ईथर की ईथर का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसका डिस्कशन कंप्लीट किया था और मैंने आपको बोला था की जो इफ इपॉक्साइड के प्रिपरेशन मेथड्स जो है वो आप अपने आप से नोट कर लेना एल्कीन में डिस्कस किया है मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उसको नोट कर लिया होगा तो अब मैं ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप नोट करो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर मिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हिथर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हिथर तो आप नोट करो देखो ईथर्स आर लेस पोलर ईथर्स आर लेस पोलर एंड लेस रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव

And therefore, they do not react. And therefore, they do not react with reactive metals like sodium and potassium, cold and dilute acids, cold and dilute acids. कोल्ड एंड डायल्यूट एसिड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहे हैं कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप ऑब्जर्व होते हैं उनमें ईथर सबसे कम रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है इस वजह से ये ना तो रिएक्टिव मेटल्स के साथ जैसे सोडियम या पोटेशियम के साथ रिएक्ट करता है और नहीं ये कोल्ड डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है नहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है और नहीं ये रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है मतलब यही वजह है कि ईथर को हम एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं मतलब ये रिएक्शन के लिए प्रोवाइड करता है बिकॉज ये नॉर्मली रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता आप इस बात को नोट कर लो ड्यू टू धिस फैक्ट ड्यू टू दिस फैक्ट ईथर इज जनरली यूज ड्यू टू धिस फैक्ट ईथर इज जनरली यूज एज सॉल्वेंट ड्यू टू दिस फैक्ट ईथर इज जनरली यूज एज सोलवेंट इथर इज जनरली यूज सॉल्वेंट आप देखो इसके बावजूद भी ईथर कुछ केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है जैसे ईथर के पास ईथर में जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर है तो लोन पेयर होने की वजह से यह ल्यूस बेस की तरह बिहेव करता है और ल्यूस बेस की तरह बिहेव करता है इस वजह से यह एसिड और प्रोटोनिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है ठीक है तो आप नोट कर लो आ, आ, ये इसमें फर्स्ट रिएक्शन जिसमें ये पार, पार्टिसिपेट करता है उसमें लिखो बेसिक कैरेक्टर लिखो नंबर वन बेसिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर तो इसमें लिखो बेटा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम due to presence of lone pair on oxygen atom due to presence of lone pair on oxygen atom ether behaves as lewis base ether behaves as lewis base and therefore and therefore it can react and therefore, it can react with Lewis acids to form adduct. Lewis acids to form adduct. And cold concentrated protonic acid to form oxonium salt. And cold concentrated protonic acid to form oxonium salt. कोल्ड कंसनट्रेटेड प्रोटोनिक एसिड टू फॉर्म ऑक्जोनियम सॉल्ट तो देखो बेटा जैसे अगर ईथर को ठीक है अगर ईथर को हम प्रोटोनिक एसिड एससीएल से रिय करा रहे तो क्या होगा यहां पर ये ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है इसके थ्रू ये यहां से H पॉजिटिव रिमूव कर लेता है और H पॉजिटिव रिमूव करके ये ऐसा ऑक्सोनियम सॉल्ट बना लेता है ठीक है ऐसा ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा इसी तरीके से अगर आप इसको एच टू फोर से रिएक्ट करा रहे हो अगर आप इसको एच टू एस ओ फोर से रिएक्ट करा रहे हो इस तरीके से ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और अगर आप इसको किसी ल्यूस एसिड से रिएक्ट कराते हो फॉर एग्जाम्पल अगर बी एफ थ्री है तो ये उसके साथ एडक्ट फॉर्मेशन करेगा इस तरीके से एडक्ट फॉर्मेशन होगा यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा विथ ल्यूस एसिड ठीक है तो इन रिएक्शंस में ईथर का बेसिक कैरेक्टर ऑब्जर्व हो रहा है इसी तरीके से मैंने बताया था कि ये ग्रेग्नोड रिएजेंट को स्टेबलाइज़ करता है और ये यही वजह है कि ग्रेग्नोड रिएजेंट ईथर के अंदर स्टोर होता है ठीक है तो एक रिएक्शन तो ये हो गई ईथर की अब इसके बाद ईथर कुछ सब्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ठीक है तो सब्टिट्यूशन रिएक्शन में नेक्स्ट रिएक्शन लिखो हैलोजिनेशन ऑफ ईथर हैलोजिनेशन ऑफ ईथर ईथर ऑफ ईथर ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है ईथर की तो इसमें आप नोट करो ईथर ईथर रिएक्ट्स विथ ईथर रिएक्ट्स विथ हैलोजन लाइक क्लोरीन ईथर रिएक्ट्स विथ हैलोजन लाइक क्लोरीन इन डार्क ईथर रिएक्ट्स विथ हैलोजन लाइक क्लोरीन इन डार्क टू प्रोड्यूस अल्फा अल्फा प्राइम टू प्रोड्यूस अल्फा अल्फा प्राइम टू प्रोड्यूस अल्फा अल्फा प्राइम डाईक्लोरो अल्फा अल्फा प्राइम डाईक्लोरो जैसे देखो बेटा अगर हम ईथर को कंसिडर कर रहे हैं। डाई ईथर है इसको हम क्लोरीन के साथ डार्क में रिएक्ट कराते मतलब सनलाइट के अब्सेंस में रिएक्ट कराते तो क्या होता है यहां पे ये यह जो अल्फा कार्बन है अल्फा कार्बन पे हैलोजिनेशन हो जाता है मोनो हेलोजिनेशन तो सी एस थ्री सी एच सी एल ओ सी एच टू सी एच ओ सी एच सी एल सी एस थ्री ये बन जाता है ये है अल्फा अल्फा प्राइम डाई डाई इथाइल ईथर अल्फा अल्फा प्राइम डाइक्लोरो ईथर अब देखो आप चाहो तो इस रिएक्शन के थ्रू डाई मिथाइल इथर से डाईथाइल ईथर को प्रोड्यूस किया जा सकता है अब जरा देखो कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे हमारे पास डाई मिथाइल इथर है डाई मिथाइल इथर है अब हमने इसको क्या किया क्लोरीन के साथ डार्थ में रिएक्ट कराया क्लोरीन के साथ डार्क में रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है दोनों साइड में जो अल्फा कार्बन है वहां पे एक एक क्लोरीन आ जाएगा दोनों साइड के अल्फा कार्बन पे एक एक क्लोरीन अटैच होगा अब इसके बाद इसको हम मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू मोलर इक्वलेंट तो क्या होगा एक ग्रिग्नॉट रिएजेंट मॉलिक्यूल इधर अटैक करके इस क्लोरीन को रिप्लेस करेगा दूसरा मॉलिक्यूल इधर अटैक करके इस क्लोरीन को रिप्लेस करेगा तो इससे फॉर्म हो जाता है CH3, थ्री सी एच टू ओ सी एच टू सी एच थ्री मतलब ये रिएक्शन हेल्पफुल है ईथर के होमोलॉगेशन के लिए लोअर ईथर को हायर ईथर में कन्वर्ट करने के लिए इस रिएक्शन को यूज किया जाता ईथर को हायर ईथर में कन्वर्ट करने के लिए इस रिएक्शन को यूज करते हैं ठीक है अब देखो अगर हम ईथर को क्लोरीन के साथ अगर ईथर को क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस पर रिएक्ट कराते तब क्या होता है जरा देखो अगर ईथर को क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में लाइट की प्रेजेंस में, में अगर ट्रीट कर रहे हैं तो क्या होगा बोलते हैं कि आ, ये जो अल्फा कार्बन है अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट सारे हाइड्रोजन ठीक है अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट सारे हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस हो जाते हैं यहां पे अगर हम क्लोरीन को एक्सेस में यूज करें तो ये बन जाएगा सी सी एल थ्री ओ सी सी एल थ्री ये बन जाता है मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन होता है अगर हम इसको हेलोजन के साथ अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते और अगर इसको हेलोजन के साथ डार्क में रिएक्ट कराते हैं तो मोनोहेलोजिनेशन होता है अब ये डिफरेंस है डार्क में मोनोहेलोजिनेशन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में मल्टीपल सब्सिट्यूशन होता है अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट सारे हाइड्रोजन तो हेलोजन से रिप्लेस हो जाते हैं ठीक है इनफैक्ट जैसे अगर डाईथाइल ईथर होगा ना अगर हम डाईथाइल ईथर को यूज करेंगे तो बीटा कार्बन वाला जो हाइड्रोजन है वो भी हेलोजन से रिप्लेस हो जाएगा अब आप नेक्स्ट रिएक्शन लिखो फॉर्मेशन ऑफ पर ऑक्साइड फॉर्मेशन ऑफ परसाइड फॉर्मेशन ऑफ परसाइड इसमें नोट करो लिखो ईथर रिएक्ट्स विथ ईथर रिएक्ट्स विथ

एटमोसफरिक ऑक्सीजन और ओजोनाइज ऑक्सीजन टू फॉर्म इथरियल परसाइड आगे लिखो रिएक्शन प्रोसीड रिएक्शन प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल मेकेनिज्म ठीक है तो ये जो पराक्साइड फॉर्मेशन रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है तो पहले देखते हैं कैसे फॉर्म होता है पराक्साइड देखो जैसे अगर हमने डाइथाइल ईथर को कंसिडर किया डाइथाइल ईथर को कंसिडर किया अब ये ईथर ऑक्सीजन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में यह धीरे धीरे करके रिएक्ट करता है और परसाइड फॉर्मेशन करता है इसी पैटर्न पे वो क्यूमीन से क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड भी बनता है जैसे आप यहाँ परऑक्साइड फॉर्मेशन देख रहे हो ना इसी पैटर्न पे जो क्यूमीन से क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का फॉर्मेशन है वो भी होता है तो इस तरीके से ये इथरियल परऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है अगर हम ओजोन को कंसिडर करते हैं तो ओजोन के साथ जरा देखना जैसे ये कोई ईथर है हमारे पास ठीक है अब हम ईथर को ओजोन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो अगर हम इसको ओजोन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो ये यहाँ पे ओजोन नेसेंट ऑक्सीजन देगा जो ल्यूस एसिड की तरह बिहेव करता है तो ऐसा पराक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा ठीक है इस तरीके से पराक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा ओजोन के साथ ये भी परक्साइड है और ये भी परोक्साइड है ठीक है तो अब अगर आप इसकी मैकेनिज्म को देखो तो यहां पर रिएक्शन कुछ इस तरीके से प्रोसीड करती है सबसे पहले ऑक्सीजन ठीक है यूवी लाइट की प्रेजेंस में इसकी होमोलिसिस होती है और होमोलिसिस के थ्रू ऐसा बाई रेडिकल फॉर्म होता है ये बाई रेडिकल फॉर्म होगा और फिर उसके बाद क्या होता है ये जो रेडिकल फॉर्म हुआ है ये ईथर के अंदर प्रेजेंट अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की होमोलिसिस कराता है ये ईथर के अंदर प्रेजेंट अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की होमोलिसिस कराता है ठीक है तो यहां पे होमोलिसिस हो जाएगी और फिर क्या होगा ये हाइड्रोजन जो है जो फ्री हुआ यहां से ये यह हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाता है तो ये बन जाएगा यहां से सी एच थ्री सी एच फ्री रेडिकल ओ सी एच टू सी एच थ्री प्लस एच ओ ओ फ्री रेडिकल ये बन जाएगा प्लस एच ओ ओ फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है ठीक है अब देखो इसके बाद क्या होता है एक तो पॉसिबिलिटी यह है कि इनकी यहीं पे कपलिंग हो जाए कपलिंग के थ्रू प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकता है या ये आगे रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड करेगी सी एच थ्री सी एच प्री रेडिकल ओ सी एच टू सी एच थ्री प्लस ओ टू प्लस ओ टू तो क्या होता है इसकी प्रेजेंस में फिर से ऑक्सीजन की होमोलिसिस होती है। इस फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में ऑक्सीजन की होमोलोसिस होती है और ऑक्सीजन इससे जाके अटैच होता है तो ये बन जाएगा सी एच थ्री सी एच ओ ओ फ्री रेडिकल ओ सी एच टू सी एच थ्री ये बन गया और फिर उसके बाद ये फर्दर ईथर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है सी एच थ्री सी एच एच ओ सी एच टू सी एच थ्री ये बन जाएगा और ये क्या करेगा ये फ्री रेडिकल क्या करता है इस अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की होमोलिसिस कराता है इन ईथर ये इसकी होमोलिसिस करा देगा और होमोलिसिस के थ्रू हाइड्रोजन जो है इससे अटैच हो जाएगा यहां से जो हाइड्रोजन फ्री हुआ वो इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा इस तरीके से चेन रिएक्शन कॉन्टिन्यूड रहती है तो आप देखो यहां से फाइनली क्या प्रोड्यूस होगा इथरियल पर इसके साथ क्या ओ सी एस टू सी एस थ्री तो ये बन गया इथरियल परसाइड प्लस यहाँ पे एक फ्री रेडिकल होगा जो आगे चेन रिएक्शन को कंटिन्यू रखेगा चेन रिएक्शन को कंटिन्यू रखेगा यह मैकेनिज्म है <coughs> इथरियल से रिएक्शन प्रोसीड करती है तो आप देख रहे हो कि एक तो पराक्साइड चेन रिएक्शन के थ्रू फॉर्म हो रहा है और एक पॉसिबिलिटी यहां भी है कपलिंग के थ्रू फॉर्म हो सकता है यह फ्री रेडिकल और एचओओ फ्री रेडिकल की कपलिंग से भी परऑक्साइड फॉर्म हो सकता है तो दो तरीके से परऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है अब देखो, अगर ईथर के अंदर परऑक्साइड प्रेजेंट है तो ऐसे ईथर सैंपल को आप डिस्टिल नहीं कर सकते ठीक है एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है जरा पहले क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन लिखो why old sample why old sample of ether why old sample of ether cannot be dry distilled why old sample of ether cannot be dry distilled why old sample of ether कैन नॉट बी ड्राई डिस्टिल्ड ये क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है तो अब जरा पहले इसका एक्सप्लेनेशन समझ लो क्यों हम ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर को ड्राई डिस्टिल नहीं कर सकते बोलते हैं कि ईथर जो है वो धीरे 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 करके एयर में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के साथ जो सनलाइट अगर वहां तक पहुंच रही है तो उस सनलाइट की प्रेजेंस में स्लोवली परऑक्साइड फॉर्मेशन करता है और इससे ईथर सैंपल के अंदर परऑक्साइड प्रेजेंट होता है और इस परऑक्साइड की स्पेशलिटी क्या है जब आप इसको बॉयल करते हो मतलब हीट करते हो जब आप इसको बॉयल करोगे तो बॉयल करने पे डिस्टिल करने का मतलब बॉयल करना जब आप इसको बॉयल करते हो तो ये एक्सप्लोड करता है ठीक है ये एक्सप्लोड करता है बॉलिंग पे तो बॉलिंग पे ये एक्सप्लोड करता है इसलिए आपने जिस कंटेनर के अंदर वो ईथर सैंपल को रखा है वो कंटेनर फट जाएगा तो इस वजह से बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है कि अगर कोई इथरियल सैंपल है तो उस इथरियल सैंपल को आप ड्राई डिस्टल नहीं कर सकते अब आप अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे इतना केयरफुल होने की जरूरत क्यों है तो इसकी पीछे वजह यह है कि ईथर को फ्रीक्वेंटली एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है ठीक है अलग अलग रिएक्शन में आपने देखा कि इथरियल सोल्यूशन इथरियल सोल्यूशन तो ईथर को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं और अगर एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं तो उस सॉल्वेंट के अंदर अगर पराक्साइड प्रेजेंट होगा भले वो ट्रेस अमाउंट में हो तो इससे एक्सप्लोजन हो सकता है सो मैगरिंग तो इस वजह से कभी भी हम अगर इथर सैंपल है तो पहले हमें ये इंस्योर करना पड़ेगा कि क्या उस सैंपल के अंदर परोक्साइड तो नहीं प्रेजेंट है अगर परोक्साइड प्रेजेंट है तो हमें उस परसाइड को डिटेक्ट करके उसको रिमूव करना पड़ेगा उसके बाद ही हम उस ईथर सैंपल को एज ए सॉल्वेंट यूज कर पाएंगे ठीक है तो आप नोट कर लो लिखो सिंस इथरियल परसाइड

कैन नॉट बी ड्राई डिस्टिल्ड कैन नॉट बी ड्राई डिस्टिल्ड अब देखो बेटा आप कैसे पता कर पाओगे कि ईथर सैंपल के अंदर परोक्साइड है या नहीं है तो बोल रहा है कि अगर परोक्साइड है कोई भी परक्साइड हो तो परोक्साइड हमेशा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो ऑब्वियसली ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा मतलब वो ईथर सैंपल ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर दिखाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड ठीक है और अब अब आपको क्या करना है आपको उसको डिटेक्ट करना है तो अगर आपको उसको डिटेक्ट करना है तो आप इसको इस तरीके से डिटेक्ट करोगे देखो जैसे इथरियल परऑक्साइड है इथरियल परऑक्साइड इसको हमने कराया फेरस आयन के साथ मतलब फेरस सॉल्ट उसके अंदर ऐड करते हैं सबसे पहले तो फेरस सॉल्ट को ये क्या करेगा ये ऑक्सीडाइज करके इसको फेरिक सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है ये फेरस आयन को ऑक्सीडाइज करके फेरिक आयन में मतलब फेरस सॉल्ट को ऑक्सीडाइज करके फेरिक सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है और खुद रिड्यूस होकर के ईथर बन जाएगा ये रिड्यूस होकर के वापस ईथर बन जाए ठीक है अब देखो अब हमें उस सोल्यूशन में एड करना है पोटेशियम थायोसाइनेट सोल्यूशन के अंदर हम क्या ऐड करेंगे पोटेशियम थायोसाइनेट ऐड करेंगे और अगर आपको याद हो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने बताया था कि जो फेरिक आयन होता है ये पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ ब्लड रेड कलर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है तो अगर यहां पे ब्लड रेड कलर प्रोड्यूस हुआ तो ये कंफर्म करता है कि वहां पे फेरिक आयन प्रेजेंट है अगर ब्लड रेड कलर आया तो ब्लड रेड कलर कंफर्म करता है कि वहां पे फेरिक आयन प्रेजेंट है और फेरिक आयन प्रेजेंट है इसका मतलब है कि फेरस सॉल्ट को किसी ने ऑक्सीडाइज किया है ऑब्वियसली ईथर के अंदर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होना चाहिए इथरियल पर होना चाहिए तो अगर ईथर सैंपल के अंदर परऑक्साइड प्रेजेंट है तो वो परऑक्साइड क्या करेगा फेरस सॉल्ट को ऑक्सीडाइज करके फेरिक सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा और ईथर रिड्यूस वो परऑक्साइड रिड्यूस होकर के ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा फिर हम उस ईथर सैंपल में अगर के एस सी एन एड करते हैं पोटेशियम थायोसाइनेट और इसको एड करने पे अगर ब्लड रेड कलर मिल गया तो ये कंफर्म करता है कि वहां ये बात क्लियर हुई बेटा ये समझ में आया कैसे परऑक्साइड की प्रेजेंस को हम डिटेक्ट करेंगे इनसाइड द ईथर एक और तरीका है अच्छा ध्यान देना अगर हमें पता चल गया कि वहां पे ब्लड रेड कलर आ गया मतलब परक्साइड है फिर हम क्या करेंगे फिर हम ये फेरासॉल्ट को एक्सेस में ऐड कर देंगे फेरासॉल्ट को एक्सेस में ऐड कर देंगे ये फेरासॉल्ट क्या करेगा जितना भी परोक्साइड होगा उसको रिड्यूस करके ईथर में कन्वर्ट कर देगा तो इस तरीके से परोक्साइड को रिमूव भी कर लेते उसको डिटेक्ट भी कर लिया और उसको रिमूव भी कर दिया इसी तरीके से देखो अगर इथरियल पर तो उसको के से रिएक्ट कराते हैं तो के को ये ऑक्सीडाइज करके आई टू में कन्वर्ट कर देगा और खुद रिड्यूस होकर के इधर बन जाएगा फिर इसके बाद ये आई टू जो है स्टार्च पेपर के साथ स्टार्च पेपर के साथ ये वायलेट और ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है वायलेट और ब्लू कलर प्रोड्यूस होगा ठीक है तो इस तरीके से भी आप कंफर्म कर सकते हो कि अगर इथरियल अगर ईथर के अंदर परऑक्साइड है और हमने उस ईथर सैंपल में के आई एड किया तो वो परऑक्साइड इसको ऑक्सीडाइज करके आयोडीन बनाएगा अब आयोडीन है या नहीं ये डिटेक्ट करने के लिए हम स्टार्च पेपर को इमर्ज करते अगर वायलेट और ब्लू कलर आ गया तो इसका मतलब कंफर्म है कि वहां आई टू है और आई टू है मीन्स के आई ऑक्सीडाइज हुआ है और के आई को ऑक्सीडाइज किया है परऑक्साइड ने तो इस तरीके से हम इथरियल को डिटेक्ट कर सकते हैं और फिर ऑब्वियसली फिर वही काम करेंगे के आई को एक्सेस में एड करके सारा का सारा परऑक्साइड को वापस इथर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये इसका डिटेक्शन मेथड और रिमूवल मेथड है <clears throat> अब आप लिखो ईथर के कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज लिखो रिएक्शन विथ हॉट डाइल्यूट एस टू एसओ फोर रिएक्शन विथ हॉट डाइल्यूट एस टू एसओ फोर रिएक्शन विथ हॉट डायल्यूट एस्टोसोफोर ध्यान देना कोल्ड डायलूट एस्ट्रोसोफोर से ये रिएक्ट नहीं करेगा ठीक है कोल्ड कंसनट्रेटेड एस्ट्रोसोफोर से रिएक्ट कर जाएगा हॉट डायल्यूट एस्टोसोफोर से ये रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके एल्कोहल बनाता है तो लिख लो लिखो हियर इट प्रोड्यूसेज एल्कोहल हियर इट प्रोड्यूसेज एल्कोहल इट प्रोड्यूसेज एल्कोहल इथर है डायल्यूट uh, एसटूएफोर के साथ इसको हीट कर रहे हैं. तो ये एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है यहां पर विगोरसली हीट करना पड़ेगा आपको नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होती है नेक्स्ट रिएक्शन देखो रिएक्शन विथ पीसीएल फाइव रिएक्शन विथ पीसीएल फाइव रिएक्शन विथ पीसीएल फाइव यहां पर यह एल्कोहल जैसा प्रोडक्ट फॉर्म करता है जैसे एल्कोहल रिएक्शन में पीसीएल फाइव के पार्टिसिपेट करता है वैसे यह भी पार्टिसिपेट करता है बट हमेशा याद रखना कि ईथर के साथ रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगी आपको स्ट्रॉगली हीट करना पड़ेगा ठीक है तो अगर हम ईथर को PCL5 के साथ हीट कर रहे पीसीएल फाइव के साथ हीट करते हैं तो यहां पे बनता है दो मॉलिक्यूल एल्काइल क्लोराइड का इधर से भी एल्काइल क्लोराइड बनेगा इधर से भी एल्काइल क्लोराइड बनेगा और वो जो सेंट्रल ऑक्सीजन है वो बचा हुआ जो पीसीएल थ्री है उसके साथ कंबाइन करके पीओसीएल थ्री बना हैं तो ये बनता है टू मॉलिक्यूल एल्काइल क्लोराइड का प्लस पीओ सी एल थ्री इसी तरीके से लिखो रिएक्शन विथ बीसी थ्री रिएक्शन विथ बी सी एल थ्री रिएक्शन विथ बी सी एल थ्री तो अगर हम ईथर को BCl3 के साथ हीट करते ठीक है अगर ईथर को BCl3 के साथ हीट करते हैं तो यहां पे फॉर्म होगा एल्काइल क्लोराइड का थ्री मॉलिक्यूल थ्री मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल क्लोराइड यानी कि यहां पे थ्री मॉलिक्यूल ईथर का यूज करेंगे तो थ्री मॉलिक्यूल एल्काइल क्लोराइड का बनता है प्लस बोरेट एस्टर बनता है बेटा आर ओ थ्राइस बी आर ओ थ्राइस बी का फॉर्मेशन होता है बोरेट एस्टर ठीक है नेक्स्ट रिएक्शन लिखो रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड रिएक्शन विथ एसिड हेलाइड तो अगर ईथर को एसिड हेलाइड के साथ हीट करते हैं तो मैंने बोला कि प्रोडक्ट वैसा ही बनेगा जैसा एल्कोहल के साथ फॉर्म होता है तो यहाँ पे भी सिमिलर प्रोडक्ट बनना चाहिए अगर एसिड हेलाइट को एल्कोहल से रिएक्ट कराते हो तो एस्टर बनता है अगर एसिड हेलाइट को एल्कोहल से रिएक्ट कराते हो तो एस्टर बनता है तो यहां भी एस्टर बनेगा तो यहाँ पे बन जाता है आर सी ओ अच्छा इसके साथ हम जेड एन सी एल टू और एल सी एल थ्री कैटलिस यूज करते जेड एन सी एल टू और एल सीएल थ्री कैटलिस्ट को यूज करते हैं तो यहां पे आर सी ओ आर बन जाता है एस्टर प्लस आर सी एल प्लस आर सी एल का फॉर्मेशन होता है एस्टर प्लस एलकाइल क्लोराइड ठीक है इसी तरीके से नेक्स्ट रिएक्शन लिखो डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर तो देखो अगर हम ईथर को एल्यूमिना के साथ ईथर को एल्युमिना के साथ स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं लगभग टेम्परेचर यहां पे कंसिडर करते हैं फोर हंड्रेड फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रोक्स 450 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रोक्स हीट करते हैं तब जा करके क्या होता है ये दोनों साइड का जो एल्काइल ग्रुप है ना वो डिहाइड्रेट हो जाता है इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करती है <clears throat> अब आप लिखो रिडक्शन ऑफ ईथर रिडक्शन ऑफ ईथर ऑब्वियसली इसको रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी सिर्फ हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फॉस्फोरस में है एच आई और रेड फॉस्फोरस ही इसको रिड्यूस कर पाता है बाकी और रिड्यूसिंग एजेंट इसको रिड्यूस नहीं कर सकते तो अगर ईथर को हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस के साथ स्ट्रांगली हीट करते हैं एच और रेड फास्फोरस के साथ स्ट्रांगली हीट करते हैं तो हीट करने पे यहां एल्केन के दो मॉलिक्यूल बनते हैं ठीक है दो मॉलिक्यूल एल्केन का बनेगा प्लस एस टू ओ मतलब ये वाला एलकाइल ग्रुप भी एल्केन बन जाएगा और ये भी एल्केन बन जाएगा और एस टू ओ का फॉर्मेशन होता है प्लस पी आई थ्री अब आप लिखो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हेलाइड रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैटेंट डिस्कशन है ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी का और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एनसीआरटी में काफी डिटेल में इस चीज को डिस्कस किया गया है तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हेलाइड और पास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इस कॉन्सेप्ट बेस्ड तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हेलाइड तो अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन हेलाइड के साथ अगर हम ईथर को रिएक्ट करा रहे तो एक तो कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन हेलाइड के साथ रिएक्शन है और दूसरा हॉट एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन हेलाइड के साथ रिएक्शन है ठीक है तो इसमें आप लिखो रिएक्शन विथ कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन हेलाइड रिएक्शन विथ कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन हेलाइड रिएक्शन विथ कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन हेलाइड तो इसमें लिखो हियर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड इज हियर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड इज

cold and concentrated hi and hbr can break can break can break the carbon oxygen bond can break the carbon oxygen bond of ether can break the carbon oxygen bond of ether to produce to produce alcohol and alkyl halide to produce alcohol and alkyl halide आप देखो बेटा यहाँ पे एक बात बहुत important है जैसे मैकेनिज्म क्या होगी रिएक्शन की तो ये रिएक्शन एस एन वन और एस एन टू मैकेनिज्म दोनों को फॉलो करती है डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ ईथर तो आप इस बात को नोट कर लो रिएक्शन रिएक्शन फॉलो रिएक्शन फॉलो एस एन वन रिएक्शन फॉलो एस एन वन और एस एन टू मैकेनिज्म रिएक्शन फॉलो एस एन वन और एस एन टू मैकेनिज्म डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन फॉलो एस एन वन और एस एन टू मेकेनिज्मिंग अपॉन द स्ट्रक्चरल फीचर डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चरल फीचर रिएक्शन फॉलो एस एन वन और एस एन टू मेकेनिज्मिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ ईथर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ इथर मॉलिक्यूल अब लिखो आगे लिखो इफ वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इफ वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर इफ वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर इफ वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर इज इज आईदर बेंजाइल इज आईदर बेंजाइल और एलाइल और टर्सरी एल्काइल और टर्सरी एल्काइल

बिकॉज ऑफ ग्रेटर स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकोटैन इंटरमीडिएट प्रोड्यूस्ड ऑफ कार्बोकोटैन इंटरमीडिएट प्रोड्यूस्ड आगे लिखो इन दर केसेस इन अदर केसेस एसेंटू मैकेनिज्म इन अदर केसेज एसेंटू मैकेनिज्म इन अदर केसेज एसेंटू मैकेनिज्म इज फेवरेबल इन अदर केसेज एसेंटू मैकेनिज्म इज फेवरेबल तो अब जैसे देखो बेटा अगर हमारे पास ये इथर है सी सिक्स एच फाइव सी एच टू ओ सी एच टू सी एच थ्री इस को हमने कंसिडर किया। अब आप देख रहे हैं एक साइड में बेंजाइल ग्रुप आपको दिख गया इसका मतलब ये रिएक्शन एस एन वन मेकेनिज्म को फॉलो करेगी अब अगर हम इसको एच हाँ आई के साथ ठीक है ये कंसंट्रेटेड एच आई है और कोल्ड कंडीशन में अगर ट्रीट कर रहे हैं कोल्ड कंसंट्रेटेड एच के साथ हमने ट्रीट किया तो अब यहाँ पे क्या बनना चाहिए देखो कार्बोकोटैन यहां बनेगा कार्बोकोटैन यहां बनेगा तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे एचआई का एनायनिक पार्ट है एनाइनिक पार्ट है आई नेगेटिव आई नेगेटिव इससे अटैच होगा कार्बोकोटैन से तो इसका मतलब प्रोडक्ट यहाँ पे बनना चाहिए बेंजाइल आयोडाइड प्रोडक्ट यहाँ पे बनना चाहिए बेंजाइल आयोडाइड और दूसरे साइड का जो पार्ट है ईथर का वो एल्कोहल बन जाएगा तो प्लस इथेनॉल बेंजाइल आयोडाइड प्लस इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा अगर आप मैकेनिज्म को कंसीडर करो तो ये होगी रिएक्शन मैकेनिज्म देखो सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन है ये यहां से हाइड्रोजन रिमूव करता है तो प्रोड्यूस हो जाएगा ये ऑक्सोनियम सॉल्ट ये ऑक्सोनियम सॉल्ट बन जाएगा और फिर उसके बाद क्या होगा अब ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो करके ठीक है कार्बोकेट बन जाता है तो यहां पे एक मॉलिक्यूल इथेनॉल का बन जाएगा और उसके साथ बेंजाइल कार्बोकेट और फिर ये बेंजाइल कार्बोकटैन क्या करेगा बेंजाइल कार्बोकटैन आयोडाइड आयन के साथ यहाँ पे जो आयोडाइड आयन फ्री हुआ है इसके साथ कंबाइन करके बेंजाइल आयोडाइड बना लेगा ऐसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी <coughs> आप देखो अगर हमारे पास मिथाइल इथाइल इथर है मिथाइल इथाइल इथर सी CH2 थ्री सी एच टू ओ सी थ्री सी थ्री सी एच टू ओ सी थ्री तो इसको अगर हम कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड एच हाँ के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो यहां पे एस एन टू ऑब्जर्व होनी चाहिए यहां पे एस एन टू ऑब्जर्व होनी चाहिए इसका मतलब कि जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा आई नेगेटिव वो उस एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा जो लेस हिंडर्ड है तो लेस हिंडर्ड एल्काइल ग्रुप यहाँ पे मिथाइल है तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनना चाहिए इथेनॉल बनना चाहिए और मिथाइल आयोडाइड बनना चाहिए इथेनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होना चाहिए ठीक है और अगर आप यहां पे रिएक्शन को देखो तो सबसे पहले क्या होगा एच आई से एच पॉजिटिव मिलेगा <coughs> तो ये बन गया सी एच थ्री सी एच टू ओ एच सी एच थ्री पॉजिटिव अब आई नेगेटिव जो यहाँ पे फ्री हुआ है ये आई नेगेटिव एज अलियो फाइल अटैक करेगा तो ऑब्वियसली इसके लिए दो चॉइसेस है यहां अटैक करे या यहां अटैक करे तो यहां पे हिंड्रेंस कम है यहां हिंड्रेंस ज्यादा है तो इसलिए ये इस कार्बन पे अटैक करके और एल्कोहल को रिमूव कर देता तो सी एस थ्री आई बन गया प्लस इथेनॉल तो ये क्लियर हुआ बेटा रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करेगी ये समझ में आया आपको कब एस एन वन मैकेनिज्म ऑब्जर्व होगी और कब एस एन टू मैकेनिज्म ऑब्जर्व होगी वो यहां पे समझ में आ रहा है अच्छा अब एक बात और समझो यहां पे अगर मान लो हमारे पास ये इथर है ठीक है अगर ये इथर है इसको हम एचआई के साथ ट्रीट कर रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसको ट्रीट करते कोल्ड एंड कंसेंट्रेटेड क्या मैकेनिज्म होनी चाहिए बताओ यहां पे मैकेनिज्म क्या होनी चाहिए एसेंटू मैकेनिज्म सही आंसर है इसलिए है बेटा देखो यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर इस रिंग के साथ कंजुगेशन में होगा कंजुगेशन होगा तो रेजोनेंस की वजह से इस बॉन्ड में मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर होगा यहाँ पे जो बॉन्ड है इसमें मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर होगा मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से ये वाला बॉन्ड यहाँ पे कभी ब्रेक नहीं होता फिनाइल ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होता फिनाइल ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होता और अब आप देखो इधर इधर कोई स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है स्टेबल कार्बोकेटायन का मतलब हम यहां पे बोलेंगे कि टर्सरी एल्काइल कार्बोकेटायन और बेंजाइल कार्बोकेटायन और एलाइल कार्बोकेटायन तो यहां पे ऐसा कोई कार्बोकेटायन ये फॉर्म नहीं कर सकता स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं कर सकता तो स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये SN1 को S N 1 अटैक को ये प्रेफर नहीं करता, तो ये S N S N 2 अटैक को प्रेफर करेगा, ठीक है? तो इस वजह से यहाँ पे हमेशा S N 2 मेकैनिज़म ऑब्ज़र्व होगी, ठीक है? तो ये रिएक्शन S N 2 मेकैनिज़म को फॉलो करेगी और एक प्रोडक्ट बनेगा फिनॉल और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा इथाइल आयोडाइड एक प्रोडक्ट बनेगा फिनॉल और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा इथाइल आयोडाइड अब ये समझना ये सिचुएशन यहां भी ऑब्जर्व हो जैसे मान लो ये है इथर सीएच टू डबल बॉन्ड सी एच सीएच टू डबल बॉन्ड सी एच ओ इसको आप ऐसे समझो यहाँ पे है फिनाइल और यहाँ पे है ट्री ब्यूटाइल टोसरी ब्यूटाइल इसको हम कोल्ड कंसंट्रेटेड एच के साथ ट्रीट कर रहे हैं बताओ क्या मैकेनिज्म होगी कोल्ड कंसंट्रेटेड एच के साथ ट्रीट कर रहे हैं मैकेनिज्म बताओ एकदम सही है क्योंकि देखो ये पार्ट तो इनर्ट है रिएक्शन इस पार्ट की वजह से होगी अब ये पार्ट हमेशा एस एन वन अटैक को प्रिफर करेगा तो एस एन वन मैकेनिज्म ऑब्जर्व होनी चाहिए एस एन वन मैकेनिज्म ऑब्जर्व होनी चाहिए तो प्रोडक्ट बनेगा फिनॉल प्लस ब्यूटाइल आयोडाइड अच्छा एक बात और इंपॉर्टेंट है आप इसको नोट कर लो लिखो इफ एक्सेस ऑफ एच आई इज यूज इफ एक्सेस ऑफ एच आई इज यूज इफ एक्सेस ऑफ एच आई इज यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन If excess of HI is used during the reaction, then, then, 2 mole of alkyl halide, 2 mole of alkyl halide are formed. Then 2 mole of alkyl halide are formed, except, 2 mole of alkyl halide are formed, except, when one of the alkyl group, when one of the alkyl group is phenyl, तो देखो बेटा अगर हम मान लो इस ईथर को consider करें आंसिमेट्रिकल ईथर है इसको हम एक्सेस एच के साथ एक्सेस एच आई के साथ अगर हम हीट कर रहे हैं एक्सेस एच आई के साथ अगर हम हीट कर रहे हैं वैसे हीटिंग यहां पे नेसेसरी नहीं है तो क्या होता है ये दोनों एल्काइल ग्रुप एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे दोनों एल्काइल ग्रुप एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट होगा ठीक है यहाँ पे पहले क्या होगा पहले तो एच आई से जब ये रिएक्ट करेगा ठीक है तो एक एल्कोहल बनेगा अभी ये, कौन एल्कोहल बनेगा अभी ये? ऐसे तो हम बता नहीं सकते वो तो स्ट्रक्चरल फीचर देखने के बाद पता चलेगा एक एल्कोहल बनेगा और एक एल्काइल आयोडाइड बनेगा और उसके बाद फिर क्या होगा फिर ये जो एल्कोहल फॉर्म हुआ है ये फर्दर एचआई से रिएक्ट करके एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से दोनों साइड का एल्काइल ग्रुप जो है वो एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा तो अगर एक्सेस एच आई है तो एक्सेस एच आई के के केस में तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान आपको कुछ सोचना ही नहीं दोनों साइड के एल्काइल ग्रुप को एलकाइल आयोडाइड में कन्वर्ट कर दो इसीलिए नॉर्मली क्वेश्चन एक्सेस एच आई को लेकर पूछा भी नहीं जाता ठीक है एक्सेस एच आई पे बेस क्वेश्चन नॉर्मली पूछा नहीं जाता अच्छा अब इसमें एक चीज ये बोली गई है कि अगर मान लो ये कंपाउंड है फिनाइल इथाइल इथर और हम इसको एक्सेस एच आई के साथ अगर हम इसको एक्सेस एच आई के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो क्या होगा बोले तब भी यही प्रोडक्ट बनेगा क्यों बनेगा ये प्रोडक्ट देखो इधर वाला पार्ट तो बन गया अब ये बन गया एच आई के साथ कराओगे ना फर्दर अगर ये के साथ फर्दर करता है, कोई रिएक्शन नहीं होगा नो रिएक्शन क्यों क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर है थ्रू रेजोनेंस यहां पे मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर है रेजोनेंस के थ्रू रेजोनेंस के थ्रू मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर है इसलिए ये केमिकली है इसका मतलब ये भी समझ लेना बेटा अगर मान लो आपने इस ईथर को कंसीडर कर लिया अगर आपके पास ये ईथर है मान लो ये इधर है अब इसको आप एच हाँ आई के साथ ट्रीट कर रहे हाँ के साथ आप हीट कर रहे हो एक्सेस या आ, में तो क्या होगा क्योंकि दोनों साइड में एराइल ग्रुप आया इधर भी एराइल है इधर भी एराइल है तो ये बॉन्ड किसी भी साइड से ये ब्रेक नहीं होना चाहेगा इसलिए यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी नो रिएक्शन अगर दोनों साइड में एराइल ग्रुप है ऑक्सीजन के एचआई के साथ हीट करने पे कोई रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होती <coughs> ये सब डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर रिएक्शन की जिनको मैंने आपको बता दिया है और अब एक डिस्कशन और कर देता हूं बस इसी पे फिनिश हो जाएगा लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इपोक्साइड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इपोक्साइड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इपोक्साइड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ देखो बेटा जैसे अगर मान लो हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल इपोक्साइड है अनसिमेट्रिकल इपोक्साइड ठीक है ये अनसिमेट्रिकल इपोक्साइड है अब हम इसको किसी भी रिएजेंट के साथ अगर हम एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करते हैं और एल्कोलाइन मीडियम में रिएक्ट करते हैं मैं यहां पे आ, एल्कोहल के साथ जो इसकी रिएक्शन होती है एसिडिक और एल्कोलाइन मीडियम में वो डिस्कस कर रहा हूं देखो अगर हम इसको ट्रीट कर रहे एल्कोहल के साथ एच पॉजिटिव की प्रेजेंस में यहाँ पे ल्यूस एसिड भी हो सकता है यहाँ पे आप ल्यूस एसिड भी यूज कर सकते हो प्रोटोनिक एसिड की जगह पे ल्यूस एसिड भी यूज कर सकते हैं तो जब कभी एसिड एसिडिक मीडियम में कोई रिएजेंट इस पे अटैक करेगा तो हमेशा एस एन वन मैकेनिज्म ऑब्जर्व होगी जब कभी एसिडिक मीडियम में यहां पे अटैक होगा तो हमेशा एस मैकेनिज्म ऑब्जर्व होगा और अगर एस एन वन मैकेजम ऑब्जर्व होती है तो फिर देखो प्रोडक्ट कैसे बनेगा देखो जैसे ये इपोक्साइड है सबसे पहले ये जो H पॉजिटिव है इस H पॉजिटिव से ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होगा ठीक है तो ये प्रोटोनेटेड फॉर्म प्रोड्यूस हो गया अब इसके बाद ये ब्रेक होगा बॉन्ड बॉन्ड ब्रेक होकर के कार्बोकोटैन बनना है इस तरीके से फॉर्म होगा जिससे कि वो मोर स्टेबल हो तो अगर यहां से अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो प्राइमरी कार्बोकोटैन बनेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो सेकेंडरी कार्बोकोटैन बनेगा क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकोटैन ज्यादा स्टेबल है इसलिए उसका फॉर्मेशन होना चाहिए ये बन जाएगा और फिर उसके बाद क्या होगा अब इसके ऊपर एल्कोहल अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल एल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो फिर ये इंटरमीडिएट पहले फॉर्म होगा ये इंटरमीडिएट फॉर्म होगा और फिर ये इंटरमीडिएट एच पॉजिटिव लूज करके एच पॉजिटिव लूज करके फाइनली इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो अगर आप एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में किसी न्यूक्लिफाइल का अटैक करा रहे हो इपोक्साइड के ऊपर तो हमेशा आप देखोगे एस एन वन मैकेनिज्म फॉलो होगी एस एन वन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा आप जरा देखो अगर हम इसको ट्रीट कर रहे एल्कोहल के साथ एल्कोक्साइड आयन की प्रेजेंस में एल्कोक्साइड आयन की प्रेजेंस में मतलब आप आरओ एन ए को यूज कर सकते मेटल एल्कोक्साइड अब आप देख रहे हो ये बेस है बेसिक मीडियम में अगर का अटैक होता है तो ये हमेशा एस एन टू पाथ को फॉलो है अगर बेसिक मीडियम में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो रिएक्शन हमेशा एस एन टू पाथ को फॉलो करेगी अगर एसिडिक मीडियम में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो रिएक्शन हमेशा एस एन वन पाथ को फॉलो करेगी ये यह यहां पे ठीक है आपको ये डिफरेंस दिखेगा मैकेनिज्म में तो अब अब जरा देखो अब रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी अब देखो सबसे पहले जो एल्कोक्साइड आयन है एल्कोक्साइड आयन ये अटैक करेगा तो कहां अटैक करेगा अटैक हो रहा है टू अब देखो ये वाला कार्बन लेस हिंडर्ड है ये वाला कार्बन मोर हिंडर्ड है एल्काइल ग्रुप के होने की वजह से एल्काइल ग्रुप के होने की वजह से ये कार्बन मोर हिंडर्ड है ये मोर हिंडर्ड कार्बन है अटैक हमेशा लेस हिंडर्ड कार्बन पे होता है तो ये लेस हिंडर्ड कार्बन है इसलिए यहां पे अटैक कर जाएगा और ये रिंग यहां से ओपन हो जाएगी तो आप देखो अः यहां पे बन गया आर सी एच ओ नेगेटिव आर सी एच ओ नेगेटिव सी एच टू ओ आर ये बन गया और फिर अगर हम इसको एल्कोहल से रिएक्ट कराए तो ये एल्कोक्साइड आयन यहां से हाइड्रोजन रिमूव करके ठीक है आर ओ नेगेटिव को रीजनरेट कर देगा और प्रोडक्ट बन जाएगा आर सी एच ओ एच सी एच टू ओ आर जरा दोनों में दोनों में ओ आर की पोजिशन देखना इस केस में ओ आर की पोजिशन जो एसिडिक कैटलिस की प्रेजेंस में है और बेसिक कैटलिस की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही है आप देखो ओ आर की पोजिशन अलग अलग है ओ एच की पोजिशन अलग अलग है तो बस यही ध्यान देना होता है इपोक्साइड की कोई भी केमिकल रिएक्शन हो आपको ये देखना है कि एसिड कैटलिस में अगर रिएक्शन हो रही है तो एस एन वन पाथ को रिएक्शन फॉलो करेगी मतलब एस एन वन मैकेनिज्म को रिएक्शन फॉलो करेगी और बेस कैटलिस की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन हमेशा एसेन टू पाथ को फॉलो करती थी है ठीक है अब जैसे अगर आपसे बोला जाए कि भाई इपॉक्साइड पे ग्रिगनॉड रिएजेंट का अटैक हो रहा है बताओ कौन सी मैकेनिज्म होगी एस वन या एस एन टू इपॉक्साइड पे ग्रिगनॉड रिएजेंट का अटैक हो रहा है एकदम सही है क्योंकि ग्रिगनॉड रिएजेंट क्या है बेस है न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करता है आर नेगेटिव वो बेस की तरह बिहेव करता तो एस मैकेनिज्म होगी ठीक है अगर देखो इपॉक्साइड है इपॉक्साइड पे हम वाटर का अटैक करा रहे बी एफ थ्री की प्रेजेंस में इपॉक्साइड पे वाटर का अटैक करा रहे बी एफ थ्री की प्रेजेंस में बताओ मैकेनिज्म क्या होगी बी थ्री है ल्यूस एसिड कैटलिस्ट है तो ल्यूस एसिड कैटलिस्ट हो या प्रोटोनिक एसिड कैटलिस्ट हो तब मैकेनिज्म एस होगी तो बस आपको यही ध्यान देना है आप कोई भी प्रोडक्ट कोई भी रिएजेंट बदलेंगे भी तभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज को मैंने फिनिश कर दिया है ठीक है सारी इंफॉर्मेशन जो यहां पे आती है हाँ ये मैं आपको जरूर बता देता हूं कि कुछ रिएक्शन बुकलेट में जब आप बुकलेट एल्कोहल की देखोगे तो उसमें कुछ रिएक्शन आएंगी डाइओल और ट्राइल की मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल की कुछ रिएक्शंस डिस्कस हुई है बुकलेट में ठीक है तो उसमें से जैसे एक तो मेलाप्रेड ऑक्सीडेशन था मेलाप्रेड ऑक्सीडेशन को मैंने पूरा डिटेल में बता दिया था एक दो रिएक्शन है जैसे फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन है आप इसको नोट कर लो ये आप बुकलेट से पढ़ जाना एक तो रिएक्शन विथ फॉर्मिक एसिड रिएक्शन विथ फॉर्मिक एसिड ये ग्लिसरॉल uh, की रिएक्शन है रिएक्शन विथ फॉर्मिक एसिड और ग्लिसरॉल की रिएक्शन विथ ऑक्सैलिक एसिड ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन विथ फॉर्मिक एसिड एंड रिएक्शन विथ ऑक्सैलिक एसिड बुकलेट में ये गिवेन है डिस्कसन और उसके अलावा ग्लिसरॉल uh, की अगर हम रिएक्शन को कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल एंड डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल एंड डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल ये रिएक्शन uh, भी बुकलेट में गिवेन है जिसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल वाला तो काफी इंपॉर्टेंट है मैंने देखा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा गया है उसमें जैसे ये होता है मैं ए, अभी आपको यहीं पे बता ही देता हूं जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल है ये इथाइलिन ग्लाइकोल है अगर हम इसके दो मॉलिक्यूल को कंसिडर करें इसके दो मॉलिक्यूल को कंसिडर करें ठीक है और अगर हम इसको कंसनट्रेटेड एस्ट्रोसोफोर के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है कंसंट्रेटेड एस्ट्रोसोफोर के साथ ट्रीट करते हैं अब देखो क्या होगा यहां से एच और यहां से ओ OH। एच यहां से एच और यहां से ओ एच OH। ये रिमूव हो करके ये प्रोडक्ट बन सकता है आप टू एस टू इसको डाइऑक्सेन बोलते हैं ये डाइ है साइक्लिक ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज होता है ठीक है इसी तरीके से एक पॉसिबिलिटी इसमें ये भी है रिएक्शन की कि ये हमने ग्लिसरो, ये ग्लिसरोन ग्लाइकोल मॉलिक्यूल यूज किया और ऐसे ही हमारे पास दूसरा इथाइलिन ग्लाइकोल मॉलिक्यूल है ठीक है और इसको हमने कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर के साथ ट्रीट किया तो ऐसे भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकता है एक ही साइड से वाटर रिमूव हो और ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है प्लस एस टू ये प्रोडक्ट भी बनता है और एक पॉसिबिलिटी और है यहां पे जैसे हमने इथाइलीन ग्लाइकोल का एक मॉलिक्यूल लिया और इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर देते कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते तो हीट करने पे क्या होता है ये डिहाइड्रेट हो जाता है तो जब ये डिहाइड्रेट होगा तो डिहाइड्रेट होकर के ये बना लेगा ये कंपाउंड और आप देख रहे हो ये एक इनॉल है ये इमीडिएटली टोटोमराइज होगा और टोटोमराइज होकर के ये एसिटल डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा मतलब ये प्रोडक्ट भी बन सकता है डिहाइड्रेशन के थ्रू तो। मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल का अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर के साथ तो डाइ बन सकता है ठीक है ये ईथर बन सकता है एसाइक्लिक ईथर और उसके साथ ये एसिटल डिहाइड बन सकता है अब इसमें क्या होता है ये दोनों रिएक्शन तो कोल्ड कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर के साथ होती है और ये वाली जो रिएक्शन है वो हॉट कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर के साथ होती है तो पहले तो ये याद रखना हॉट कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर को यूज किया जाएगा तो इथेनॉल बन जाएगा बाकी कोल्ड कंसनट्रेटेड एस्टोसोफोर को अगर आप यूज कर रहे हो तो ये दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं अब आप आ, पी ब्लॉक की बुकलेट निकालो जरा पी ब्लॉक की बुकलेट निकालो मैंने लास्ट क्लास में हाइड्रोजन सल्फाइड को का डिस्कशन को कंप्लीट किया था पी ब्लॉक से हाइड्रोजन सल्फाइड का डिस्कशन बुकलेट से मैंने कंप्लीट किया था ग्रुप सिक्सटीन में और अब इसके बाद कुछ और कंपाउंड है सल्फर के जो डिस्कस करने हैं तो एनसीआरटी में जो कंपाउंड गिवन है वो सल्फर डाइऑक्साइड है मैं उसको बुकलेट से ही डिस्कस कर रहा हूं ठीक है क्योंकि बुकलेट में थोड़ा और डिटेल गिवन है तो बुकलेट में देखो पेज नंबर फोर्टी सेवन ई ब्लॉक पेज नंबर फोर्टी सेवन पेज नंबर फोर्टी सेवन सबने अरेंज कर लिया पेज नंबर फोर्टी सेवन में सल्फर डाइऑक्साइड का डिस्कशन है ठीक है देखो यहां पे बोल रहे हैं कि सेल्फ प्रिपरेशन मेथड सबसे पहले डिस्कस किया जा रहा है बोल रहे सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म टूगेदर विधिल सिक्सेंट सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर इज बर्न इन एयर और ऑक्सीजन देखो नॉर्मली क्या होता है जब किसी कंपाउंड का आप कंबेशन कराते हो जिसमें सल्फर प्रेजेंट है तो बोला जाता है कि कम्बस्टन में हमेशा सल्फर एसोटू में कन्वर्ट होता है बिकॉज वहां पे एसोटू मेजर प्रोडक्ट होता है

सल्फाइड सॉल्ट को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं तो एसओ टू का फॉर्मेशन होगा सल्फाइड सॉल्ट मतलब एनए टू एसओ थ्री जैसे आप बोल सकते हो रिएक्ट कराया तो अगर डाइल्यूट एस टू एसओ फोर के साथ रिएक्ट कराया तो पहले तो फॉर्म हो जाएगा H2SO3 H2SO3 बन जाएगा H2SO3 के साथ पे बन जाएगा Na2SO4. और आपको पता होना चाहिए H2SO3 एक है. जैसे कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है वैसे ही H2SO3 भी होता है तो अनस्टेबल एसिड है इसलिए ये येिकोज हो जाएगा और डिकम्पोज होकर एसओ टू और एस टू ओ बना लेते हैं तो इस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है तो किसी भी सल्फाइड सॉल्ट सल्फाइड सॉल्ट को अगर आप एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। ऐसे ही कार्बोनेट सॉल्ट और बाई कार्बोनेट सॉल्ट का एसिडिफिकेशन कराने पे सीओ टू गैस रिलीज होती है उसी पैटर्न पे ये रिएक्शन हो रही है। फिर आप देखो अगर हम सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं यहां पे ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर सल्फर को हीट किया जा रहा है मतलब ये हॉट कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर है कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर है उसको सल्फर के साथ हीट कर रहे तो अब इसमें होता क्या है सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूस होगा और सल्फर ऑक्सीडाइज होगा अब ध्यान से समझना बेटा सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूस होगा और सल्फर ऑक्सीडाइज होगा सल्फर ऑक्सीडाइज होकर के एसओ बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूस होकर के एसओ बनाएगा तो कुल मिलाकर के यहां पे थ्री एसओ बन जाता है थ्री एसओ टू प्लस टू एस ये बैलेंस रिएक्शन है इसी तरीके से अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को कार्बन के साथ यानी कि कोक के साथ ट्रीट कर रहे हैं ये रिएक्शन भी बैलेंस नहीं है और इवन एक प्रोडक्ट भी मिसिंग है अगर हम टू -H2SO4, इसके साथ कोक है हीट कर रहे हीट कर रहे तो क्या होगा हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 कोक को ऑक्सीडाइज करके सीओ टू में कन्वर्ट करता है और खुद रिड्यूस होकर के सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा तो टू 2H2O टू प्लस टू एच टू ओ प्लस टू किस तरीके से रिएक्शन टू 2SO2 टू प्लस टू टू ओ प्लस टू आप देखो यहां पे एसओ टू और सीओ टू गैसेस दोनों प्रोड्यूस हो रही हैं, जिनको डिस्टिंग्विश करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है बिकॉज ये दोनों ही गैसेस लाइम वाटर के साथ मिल्कीनेस प्रोड्यूस करती है ठीक है ये दोनों ही गैसेस लाइम वाटर वाटर के साथ मिल्कीनेस प्रोड्यूस करती है और अगर हम इन गैसेस को एक्सेस में पास कर दें तो वो मिल्कीनेस हो जाती है मतलब दोनों में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक तो फिर अगर आपको इनको डिस्ट्रीब्यूस करना है तो एक ही तरीका है ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करता है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कभी बिहेव नहीं करता CO2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कभी भी बिहेव नहीं करता SO2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है इसका मतलब कि अगर आप इसको एसिडिफाइड डाइक्रोमेट के साथ ट्रीट करो अल्कलाइन KMnO4 के साथ ट्रीट करो तो क्या होगा ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ये रिड्यूस कर देगा तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अगर आप इसको ट्रीट करोगे तो उसका ऑरेंज कलर जो है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो अगर ये गे, अगर गैस जो है वो एसडी फाइव पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जो है वो उसका कलर को चेंज कर रही फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन तो कंफर्म है कि वहां पे SO2 प्रेजेंट है तो इस तरीके से आप दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ये वाला टेस्ट CO2 नहीं देगा SO2 देगा आप देखो जरा इसी तरीके से बोल रहे हैं कि अगर हॉट एंड कंसेंट्रेटेड एस्ट्रोसुफोर को कॉपर टर्निंग कॉपर टर्निंग मतलब स्क्रैप कॉपर या पाउडर्ड कॉपर के साथ हम ट्रीट कर रहे हैं स्क्रैप कॉपर कॉपर और पाउडर्ड के साथ ट्रीट कर रहे हैं हॉट एंड कंसेंट्रेटेड एस्ट्रोसोफोर को तो कॉपर पाउडर आप बोल सकते हो और स्क्रैप कॉपर और इसको टे के साथ हीट कर रहे हैं तो, अगर हम इसको के साथ करते हैं, तो क्या होगा यहां पे बोल रहे हैं कि ये कॉपर जो है ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीडाइज होकर वो कॉपर टू पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है तो वो सल्फेट आयन के साथ सीयू एसोफोर बना ले कॉपर जो है ऑक्सीडाइज होगा सीयू टू पॉजिटिव में और फिर वो सल्फेट आयन के साथ कंबाइन करके एसओ फोर बना लेता है और जो आ, ये एस टू एसओ फोर है ये रिड्यूस होगा रिड्यूस होकर के ये एसओ टू में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके साथ यहाँ पे एच टू ओ भी प्रोड्यूस होगा मतलब ये है बैलेंस रिएक्शन कॉपर पाउडर प्लस टू कंसनट्रेटेड H2SO4 तो फोर ऑन हीटिंग टू तो गिव सी एसओ फोर प्लस एसओ टू प्लस टू एस टू इसी तरीके से देखो अगर जिप्सम को यहां पे कंप्लीट रिएक्शन नहीं है कोक के साथ हीट करते जिप्सम को कोक के साथ हीट करते कैल्शियम सल्फेट यानी कि जिप्सम है तो इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होगा कोक के साथ हीट करते हैं तो हीट करने पे क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है CaO बनता है SO2 बनता है और CO2 बनता है ये बैलेंस रिएक्शन होगी टू सी ए प्लस टू एसओ टू प्लस सीओ टू इसी तरीके से देखो बोल रहा है कि इट इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर अगर सल्फाइड ओर है और उसकी रोस्टिंग करा रहे हैं तो रोस्टिंग कराएंगे तो एसओ टू बनता है पता है आपको बोले द गैस आफ्टर ड्राइंग इज लिक्विफाइड अंडर प्रेशर एंड स्टोर्ड इन स्टील सिलेंडर ये इंफॉर्मेशन हम लोग एनसीआर से देख चुके थे अब जरा देखो प्रॉपर्टीज सल्फर डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज तो बोला सल्फर डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस एंड विथ पंजेंट स्मेल सल्फर डाइऑक्साइड गैस सल्फर डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल एंड इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर वाटर में हाईली सॉल्युबल है क्योंकि वाटर से रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड बना लेता है तो डिसॉल्व हो जाता है एंड इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर

फॉर्मिंग सोडियम सल्फाइड तो सोडियम सल्फाइड बना लेता है विच मोर सल्फर डाइऑक्साइड टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ठीक है तो अगर आप इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये Na2SO3 बना लेगा ठीक और फिर उसके बाद वो अगर फर्दर और SO2 पास कर दोगे वहां पे सोल्यूशन में तो सोडियम बाई सल्फाइड बना लेता है. अब यहां पे देखो इंपॉर्टेंट ये है कि SO2 के साथ ये एनओ के साथ तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन जैसी बात नहीं ऑब्जर्व होती है लेकिन अगर हम कंसिडर करते हैं ये सी को लाइम वाटर तो लाइम वाटर के साथ इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है हो, देखो होगा क्या जैसे SO2 है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ये रिएक्ट करेगा कैल्सियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके ये बना लेता है सीए एसओ थ्री प्लस एस ठीक है ये व्हाइट पीपीटी व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता, करता है और फिर हम क्या करते हैं अगर हम फर्दर एसओ को पास करते हैं उस सोल्यूशन से एक्वा सोल्यूशन में है ये सब कुछ और अगर हम वहां पे फर्दर एसोटू को पास करते हैं तो एसओ टू को पास करने पे कैल्शियम कैल्सियम बाइसल्फाइट बना लेता है जो कि है इन वाटर तो देखो इसकी वजह से मिल्कीनेस अपीयर होती है लाइम वाटर से ये लाइम वाटर है अगर उससे हम सल्फर डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो ये बनता है मिल्कीनेस अपियर होती है। और एक्सेस में एसओ टू अगर पास कर दे तो ये फॉर्म हो जाता है इसलिए मिल्कीनेस तो इसकी वजह से मिल्कीनेस अपियर होती है और ये बनता है तो मिल्कीनेस जरा आगे देखो तो बोल रहा है कि ये NaHSO3 थ्री में कन्वर्ट हो जाता है ये uh, yeah, अगर फर्दर एसओ टू को पास करें और फिर एन एच एस ओ थ्री को हीट करने पे एच टू एसओ थ्री और एन ए टू एसओ थ्री का फॉर्मेशन होता है एच टू एसओ थ्री एंड एन ए टू एसओ थ्री नॉर्मल सॉल्ट आर गिविंग सल्फाइड एंड सल्फेट तो यहां पे बोला जा रहा है कि अगर सोडियम सल्फाइट या कोई और सल्फाइड सॉल्ट है ठीक है कोई भी सल्फाइड सॉल्ट अगर आपने कंसीडर किया जैसे सी एसओ थ्री है और अगर हम इसको हीट करते ठीक है अगर हम इसको हीट करते हैं तो क्या होगा ये डिस होता है कैसे ये डिस होकर के सोडियम कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और कैल्सियम सल्फाइड में कन्वर्ट होता है कैल्शियम सल्फेट और कैल्सियम सल्फाइड में कन्वर्ट होता है हीट करने पे ऐसे ही Na2SO3 अगर है इसको आप हीट करोगे तो ये सोडियम सल्फेट बनाता है और सोडियम सल्फाइड बनाता है सोडियम सल्फेट बनाता है और सोडियम सल्फाइड सल्फाइड बनाता है Na2S Na2S ठीक है और बोला जा रहा है आगे एसिड बाइसल्फाइड ऑन हीटिंग फर्स्ट लूज सल्फ्यूरस एसिड बिफोर अंडरगोइंग डिस्प्रपोशनेशन बिफोर अंडरगोइंग डिस्प्रपोशनेशन अगर एसिड बाईसलफाइड को हम हीट कर रहे हैं अब जरा देखो यहां पे जैसे एन थ्री है NaHSO3 को हमने अगर हीट किया तो इसमें क्या होता है पहले तो ये बनाएगा Na2SO3 एंड H2SO3 हीट करने पे Na2SO3 एंड H2SO3 ये H2SO3 आगे SO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा यह डिकम्पोज होकर के SO2 और H2O बना लेगा और ये जो Na2SO3 है ये डिस्प्रपोशनेट होता है और हो होकर ये बनाता है Na2SO4 टू एसओ फोर एंड एन ए टू एस ये वाली रिएक्शन इसका मतलब ये है कि अगर सोडियम बाईसल्फाइट को हीट किया जाता है अगर सोडियम बाईसल्फाइट को आप हीट करोगे तो इसको हीट करने पे क्या बनेगा एसओ टू बनेगा एन ए टू एसओ फोर बनेगा और एन ए टू एस बनेगा एसओ टू बनेगा एन ए टू एसओ फोर बनेगा और एन ए टू एस बनेगा ये बात समझ में आई बेटा बोलो ठीक है अगर आप किसी भी बाइसल्फाइड सॉल्ट को हीट करते हो तो पहले तो सल्फ्यूरस एसिड वो प्रोड्यूस करता है और सल्फ्यूरस एसिड अनस्टेबल है अनस्टेबल है इसलिए क्या हो? होगा होगा और, एस्टू और एस्टू में और इधर बन गया सल्फाइड और सल्फाइड के बाद के साथ आप क्या देख रहे हो हीट करने पर हमेशा डिस्प्रोपोषनेट होता है तो ये डिस्प्रोपोसनेट हो जाए अब जरा आगे देखो बोला इन इट रिएक्शन रिएथ वॉटर एंड द बिहेवियर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड रिएथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल विच एक्ट एज ए कैटलिस्ट टू गिव सल्फ्यूराइल क्लोराइड जब हम इसको सल्फर डाइऑक्साइड को क्लोरीन के साथ चारकोल की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो सल्फ्यूराइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है इट इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर ट्राई बाय ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका आ, ये ये ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब रिड्यूसिंग एक्शन ऑब्जर्व हो रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये बिहेव कर रहा है तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड को क्लोरीन के साथ चारकोल की प्रेजेंस में चारकोल की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो एसओ टू सी एल टू का फॉर्मेशन होता है ये चारकोल जो है कैटलिस्ट है इसी तरीके से बोल रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम वेनेडियम पेंटोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं वेनेडियम पेंटोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं साथ में ऑक्सीजन है तो एसओ थ्री बन जाता है ये रिएक्शन कॉन्टेक्ट प्रोसेस में हम यूज करते हैं

वो मॉइस्ट कंडीशन में आ, ये मॉइस्ट है सो so टू मैं यहाँ पे लिख रहा हूं और इसको हम अगर आयन से ये करा रहे हैं तो आयन को ये रिड्यूस करके फेरस आयन में कन्वर्ट कर देते हैं ये आयन को आयन में कन्वर्ट कर देते हैं एंड पोटेशियम परमैग्नेट सोल्यूशन पोटेशियम परमैग्नेट सॉल्यूशन को ये डीकलराइज कर देगा मतलब यहाँ पे क्या होगा जो एसओ टू है इसको अगर हम अगर हमने एसडीफाइड के के साथ ट्रीट किया तो ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फेट आयन में ठीक है या सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा और इसको रिड्यूस करके एम टू पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा तो ये एम पॉजिटिव जो है ये कलरलेस होगा तो इस तरीके से यहां पे रिएक्शन होती है डी कलराइज एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन द लेटर रिएक्शन इज ए कन्वीनियंट टेस्ट फॉर द गैस अब इसमें क्या है इसका पर्पल कलर होता है पर्पल और पिंक कलर होता है और यहां पे यह कलरलेस है ऐसे आप ये वाली रिएक्शन भी कंसिडर कर सकते हो एसओ टू प्लस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ये है ऑरेंज कलर्ड तो इसको ऑक्सीडाइज करके ये सल्फेट आयन में कन्वर्ट करेगा और खुद रिड्यूस होकर के क्रोमियम थ्री पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है तो ग्रीन कलर आता है ऑरेंज से ग्रीन कलर चेंज होगा कलर चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन नीचे लिखा व्हाइट रिड्यूसेस एसिडिफाइड के आई ओ थ्री

अब इसके बाद ये ब्लीचिंग एक्शन और जो बाकी डिस्कशन है इसको कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे तो कल मैं ग्रुप सिक्सटीन को फिनिश करूंगा और ग्रुप 17 स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में ओके बेटा